हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी गुरु चैनल। आज एही वीडियो रे आमे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा करा जायतिबा एस्पिरेशनल कंपोनेंट पाठ्यक्रम संबंधी सूचना समस्त पाई। एही एस्पिरेशनल कंपोनेंट संबंधी सूचना किछि दिन पूर्व प्राय एक सप्ताह पूर्व बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन घोषणा करथिला। एही पाठ्यक्रमटी नवम एवं दशम श्रेणी छात्र छात्री माने पढ़े एवं एही पाठ्यक्रम संबंध में 100 मार्क परीक्षा एपियर करने को पड़ो। तो वर्तमान आम देखा एही पाठ्यक्रम कौन सब टॉपिक अच्छी। तो प्रथम देखा जे डिविजन ऑफ एस्पिरेशनल कंपोनेंट्स। एस्पिरेशनल कंपोनेंट को 4 टॉपिक रे विभक्त करा जाइछि। कौन कौन से गुड़ाक बुक रिव्यू, प्रोजेक्ट वर्क, करिकुलर एक्टिविटीज, बेसिक आईटी स्किल्स। ए प्रति विभाग 25 मार्क परीक्षा गोटे स्टूडेंट को एपियर करने को पड़ो। तो फर्स्ट आम देखा जे बुक रिव्यू कौन। बुक रिव्यू कौन ना बुक रिव्यू पर गोटे स्टूडेंट को कौन करने को हम प्रथमे निजे गोटे बही बाछिया को पड़ो। बही बाछिकी से बहीर मेन ऑब्जेक्टिव समारी से बहीर किसी समारी बा सारांश बाहर करा पड़ो। ता सहित तो मेन आइडियाज बाहर करा पड़ो, आर्गुमेंट्स करा पड़ो माने किसी मूल चिंताधारा बा मूल भित्तिभूमि, ता सहित तो किसी वितर्क से ही बही सम्बन्धी पिला को जोगाड़ करने को पड़ो। ता सहित तो से ही बहीर अथर आउ किसी टॉपिक ऊपर मध्ये स्टूडेंट को किसी विषय वस्तु संग्रह करने को पड़ो। परिशेष से ही बहीर इवालुएसन पड़ो जे बहीटा केते दूर माने उपयोगी है तार मध्य मूल्यायन करने को पड़ो। नेक्स्ट देखिबा जे केउं प्रकार बही गोटे पिला बाछी पारिबो। साधारण स्टूडेंट टी कौन करी पारिबो ता तीन प्रकार बही बाछी पारिबो। एही तीन प्रकार बही कौन से गुड़ा को देछि ना इट सुड बी ए बेस्ट सेलर बुक और फिक्शन बुक और क्लासिक बुक माने जेकोसी भल बिक्री होता बही हो, काल्पनिक बही हो, शास्त्र व पुराण सम्बन्धी बही हो गोटे स्टूडेंट बाछी पारिबो। किंतु केउं गुड़ी को बाछी हम ना बा केउं गुड़ी को से ग्रहण करिपारिबो ना एही बही गुड़ाक ग्राफिक नोवेल माने किसी छबिल औपन्यासिक पुस्तक बा ग्राफिक फिक्शन बा छबिल कहानी किंबा ऑटोबायोग्राफी माने किसी आत्मजीवनी सम्बन्धी पुस्तक से बाछी पारिबो ना। नेक्स्ट देखिबा जे एही बही बाछिला परे ताको कौन करिबाको पड़िबो। ए जो बही बाछिला परे ए संपूर्ण बही माने टॉपिक टुकु बा बुक रिव्यू सेक्शन टुकु ताकु 4 क्वार्टर रे पर्सस मध्य रे संपूर्ण करबाक पड़ियो। फर्स्ट क्वार्टर बा प्रथमे ताकु कौन करबाक पड़ियो। प्रथम हैला से बहीटी बाछिला से बही को डिटेल पढ़िबा पई चेष्टा करबो। स्टूडेंट मानक सम्मुख रे फ्लुएंटली माने स्पष्ट भाबे पढ़िबो एवं एथि पई तार मात्र 5 मार्क अच्छी यही सेक्शन पे। तापर देखिबा सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर रे कौन करिवो ना गोटे स्टूडेंट कौन करिवो ना से बही सम्बन्धी किसी नोट्स आउ किसी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बा मेजर क्यारेक्टर्स सब बाछिकी रखा पड़ो। से बही उपर किसी भल इनफर्मेसन ताको जोगाड़ करने को पड़ो एवं यही सेक्शन पे गोटे स्टूडेंट को 5 मार्क मिलिबो बा 5 मार्क अच्छे। आपर जीवा थर्ड सेक्शन को बा थर्ड क्वार्टर को। थर्ड क्वार्टर स्टूडेंटर ड्यूटी कौन ना थर्ड क्वार्टर ड्यूटी होची जे से सम्मारी बाहर करियो। थर्ड क्वार्टर कौन ड्यूटी ना स्टूडेंटर दायित्व होची सम्मारी बाहर करिबा। सम्मारी बाहर करिबो, सम्मारी बाहर करिबा परे ताको किछि कोटेशन मा स्टेटमेंट आकार लेखिकर गोटे पाराग्राफ तयार करिबो। एथिपई मध्य स्टूडेंट को मिलिबो सेई 5 मार्क। नेक्स्ट जीवो फोर्थ क्वार्टर को। फोर्थ क्वार्टर गोटे स्टूडेंट कौन करिबो ना सेई जो फर्स्ट सेकेंड आउ थर्ड तीनोटी जाक क्वार्टर से जहाँ किसी पॉइंट्स कलेक्शन करथिला सेई पुस्तकरु ताकु रिप्रेजेंट करिबो बा ताकु उपस्थापना करिबो स्टूडेंट आउ टीचर मानक सम्मुखरे एवं सेमानक द्वारा करा जाउथिबा प्रश्नर मध्य से उत्तर देबा पई प्रस्तुत हबो। एवं ए फोर्थ क्वार्टर गोटे स्टूडेंट पई अछि 10 मार्क। ये सल्ला हमर बुक रिव्यू सम्बन्धी समस्त तथ्य। तापर नेक्स्ट जिबा आमे परवर्ती टॉपिक को। सेकेंड टॉपिक टे आसला हमर प्रोजेक्ट वर्क। कौन आसला पिला माने प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क कौन ना यही प्रोजेक्ट वर्क द्वारा पिला को गोटे प्रोजेक्ट गोटे
कार्यभार दायित्व दिजिव कि प्रकार कार्य दिजिव आउ ता संबंध में आम यही वीडियो द्वारा जानपर प्रथम कौन करा पड़े गोटे स्टूडेंट गोटे प्रोजेक्ट टॉपिक बाछा पड़ो प्रोजेक्ट करिया पूर्व गोटे टॉपिक से बाछ से प्रोजेक्ट उपर किछि रिसर्च कर किछि अनुसंधान कर से प्रोजेक्ट रिलेटेड जहाँ किछि रिसर्च कला तार डाटा गुड़ाक मेटेरियल को से कौन कर ऑर्गेनाइज कर माने सुसज्जित ढंग से लिखिब एवं तापर कौन कर प्रेजेंट कर से जो प्रोजेक्ट वर्क से तथ्यटी को कौन कर उपस्थापन करने को चेष्टा कर तथ्यर एनालाइज कर विश्लेषण कर प्रोजेक्ट वर्क भितर रेलिवेंट कंक्लूजन कौन उपयुक्त सारमर्म कौन उपयुक्त तथ्य कौन ताकू से बाहर कर माने प्रोजेक्ट वर्क टी को प्रेजेंटेशन करने चेष्टा कर विषय वस्तु गुड़ी स्टूडेंट को निश्चित रूपे समस्त ऑल स्टूडेंट आउ गाइड टीचर को सामना रे ही करने को पड़ो। तो ये जो प्रोजेक्ट वर्क आसला ताकु बुक रिव्यू भली चारोटी क्वार्टर विभक्त करा जाइछे एवं एही चारोटी क्वार्टर रे स्टूडेंट को कौन करबा को पड़ियो तार संपूर्ण कार्यटी को सारिया को पड़ियो एवं एही चारोटी क्वार्टर पे तार टोटल मार्क अच्छी केते ए चारोटी क्वार्टर टोटल मार्क है 25 मार्क अच्छी। तो क्यों टर्म रे बा क्यों क्वार्टर रे ताको कौन कौन करबा को पड़ियो केमिति करबा को पड़ियो तार सविशेष तथ्य एही आमर पेज रे अच्छी। प्रथम क्वार्टर कौन करिया को पड़ो ना किसी गोटे से टॉपिक बाछब तार किसी प्रेजेंटेशन लिटरेचर मेथोडोलॉजी क्वेश्चनरी डाटा कलेक्शन ए सब कार्य करिबा को पड़ो। सेकेंड क्वार्टर कौन करिया को पड़ो ना प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड वाइवा करिया को पड़ो। थर्ड क्वार्टर कौन कर जे थर्ड क्वार्टर कंटेंट एनालिसिस हबो कंटेंट रो किछि विश्लेषण हबो एंड इट्स रिलेवेंस इन द करंट सिनेरियो कंक्लूजन बाहर करिया पड़ो लिमिटेशन बिब्लियोग्राफी एनेक्सचर एगुडाक सब ताक बाहर करने को पड़ो थर्ड क्वार्टर। एवं फोर्थ क्वार्टर तार एग्जामाइन हबो एवं आमे जो देखिले चारोटी क्वार्टर टोटल मार्क होची 25 फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनोटी जगह क्वार्टर आम पांच पाँच पाँच माने 15 मार्क परीक्षा दबो एवं लास्ट क्वार्टर 10 तेणु टोटल 25 मार्क परीक्षा गोटे पिला को देवा को पड़ो। नेक्स्ट आसला को करिकुलर एक्टिविटीज यही टॉपिक रे मध्य गोटे स्टूडेंट पे रहिबो 25 मार्क रहिबो। तो यही को करिकुलर एक्टिविटीज कौन एगुडा को को माध्यम रे गोटे पिला करिबो केउ टॉपिक गुड़ी को से बाछिबो ता संबंध रे वर्तमान आमे देखिबा टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। फर्स्ट जिनिस हला पिला माने टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज रे गोटे स्टूडेंट कौन कौन बाछि परियो। फर्स्ट जिनिस हला फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज माने किछि गेम्स हो स्पोर्ट्स हो एथलेटिक्स योगा स्विमिंग मास ड्रिल आसन जुड़ो एगुड़ा को बाछिपर। सेकेंड है लिटरेसी एक्टिविटी माने किसी मैगजीन छपेबा हो वाल मैगजीन हो बुलेटिन बोर्ड हो डिबेट न्यूज़पेपर रीडिंग एसे पोएम एगुड़ा बाछिपर। थर्ड है कल्चरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज ड्राइंग पेंटिंग म्यूजिक एटसेट्रा एगुड़ा को इथरे इनक्लूड करा जाइछे। एवं नेक्स्ट टॉपिक होची बा परवर्ती टॉपिक होची सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज कौन एनएसएस रेड क्रॉस एनसीसी स्काउट गाइड सोशल सर्विस कैंप मास रनिंग विलेज सर्वे एगुड़ाक गोटे पिला करबा को पड़ो। नेक्स्ट जिनिस आसला सिटीजनशिप ट्रेनिंग एक्टिविटीज ये भी गोटे को करिकुलर एक्टिविटीज रे जाउची जमीती कि स्टूडेंट काउंसिल हो पारे बा किसी स्टूडेंट लीगल रिलेटेड किसी उपस्थापना बा किसी डिस्कशन करी परंती स्टूडेंट यूनियन हो पारे बा विजिट्स टू सिविक इंस्टीट्यूशंस लाइक पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर म्युनिसिपालिटी ऑर्गेनाइजिंग मॉक पार्लियामेंट ए सब एक्टिविटीज गुड़ाक सिटीजनशिप ट्रेनिंग एक्टिविटी करी परंती। नेक्स्ट पॉइंट सिक्स हूँ लेजर टाइम एक्टिविटी अवसर समय को किमें से
ଭଲ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ। କଏନ୍ କଲେକ୍ଟିଂ, ଆଲବମ୍ ମେକିଂ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଷ୍ଟାମ୍ପ କଲେକ୍ଟିଂ, ଗାର୍ଡ଼େନିଂ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମେକିଂ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଆ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବେ, ଟଏ ମେକିଂ, କ୍ଲେ ଆର୍ଟ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଜର୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ରେ ଯାଉଛି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆମର କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସେଭେନ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସେଭେନ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ଅଫ୍ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କିଛି କରିପାରିବେ। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କ୍ୟାମ୍ପ କରିପାରିବେ, ଏଜୁକେସନାଲ ଟୁର୍ କରିପାରିବେ, ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି କରିପାରିବେ, ଭାଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବା ଜାତୀୟ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଯାଉଛି ଆମର କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଆସିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା IT ସ୍କିଲ୍ସ ଉପରେ। IT ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ, ଆଉ ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କେତେ ମାର୍କ ଆପିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ IT ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ଼୍ ସ୍କିଲ୍ସ, ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ 25 ମାର୍କ ଆପିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ କହୁଛି ଦେଖ IT ସ୍କିଲ୍ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଷ୍ଟଡି କରିବ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଏସେନ୍ସିଆଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ସ ଫର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେ IT ସ୍କିଲ୍ସରେ ଶିକ୍ଷା କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଟାଇପିଂ ସ୍କିଲ୍, ସେ ଭଲ ରୂପେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଟାଇପିଂ କରିବାର ଶିଖିବ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ୟୁଜିଂ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର, ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବ, କେମିତି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ ଫାୟାରଫକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଶିଖିବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ MS ଅଫିସ। MS ଅଫିସ କ'ଣ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼, ଏକ୍ସେଲ, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଆ ବିଷୟରେ ଶିଖିବ। ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ପାଠ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଫାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଉପରେ, ଇମେଲ ଉପରେ ଶିଖିବ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ଶିଖିବ, ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରାବୁଲ୍ ସୁଟିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଶିଖିପାରିବ। ତ ହେଲା ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଟପିକ୍, ଯାହା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଏସେନ୍ସିଆଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ସ ଫର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା IT ସେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଆମର, ଯାହାକି ଥିଲା କ'ଣ ନା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସ୍କିଲ୍ସ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଇଭାଲୁଏସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଆଉ କେତେ ମାର୍କ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇପାରିବ ବା କେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇପାରିବ। ତ ଲାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ। ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କଲା, ବର୍ଷ ସାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଆସ୍ପିରେସନାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ, ସେ କି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ, ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଏହି ସେକ୍ସନ୍ରୁ ଜାଣିପାରିବା। ସେ କହୁଛି ଯେ ବୋର୍ଡ଼ ଆଫ୍ଟର କ୍ୟାପଚରିଂ ଦି ମାର୍କସ ଅନ୍ ଆସ୍ପିରେସନାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଥ୍ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ବିଲ୍ କନଭର୍ଟ ଦି ସେମ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରେଡ୍ସ ଏଜ୍ ବିଲୋ। କ'ଣ କହିଲା ସେ ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 4ଟି ଯାକ ଟପିକ୍ରେ ମୋଟ 100 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ସେ 100 ମାର୍କରୁ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କରୁଛି 80 ମାର୍କରୁ ବା 80%ରୁ ଅଧିକ ରଖିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମାର୍କ ହିସାବରେ କହିବା 80 ମାର୍କରୁ ଅଧିକ ରଖିଛି ତାକୁ ଏ ଗ୍ରେଡ଼୍ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟି କ'ଣ କରୁଛି 60ରୁ 80% ମାର୍କ ଭିତରେ ତା'ର ଆସିଛି, ବା ଯଦି ମାର୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା 60ରୁ 80 ଭିତରେ ମାର୍କ ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ବି ଗ୍ରେଡ଼୍ ଆଲଟ୍ କରାଯିବ। ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ପରସେଣ୍ଟେଜ 40ରୁ 60 ଭିତରେ, ମାନେ 40ରୁ ଅଧିକ 60ରୁ କମ୍ ଅଛି, ବା ମାର୍କ ଯଦି 40ରୁ 60 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତାକୁ ସି ଗ୍ରେଡ଼୍ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ମାର୍କ 40ରୁ କମ୍ ଆସିଛି ବା 40%ରୁ କମ୍ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର 40 ମାର୍କରୁ କମ୍ ଆସିଛି, ତେବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଡି ଗ୍ରେଡ଼୍ ଦିଆଯିବ। ଏହି 4ଟି ଗ୍ରେଡ଼୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେଡ଼୍ ନିଜର ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟି ପାଇପାରିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆସ୍ପିରେସନାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏହାର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆସ୍ପିରେସନାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ଟି ନିହାତି ରୂପେ ଆମର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ। 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ, କେବେଠୁ ପଢ଼ିବେ ନା ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଅର୍ଥ 2023
24 शिक्षा वर्षर दशम श्रेणी पिला माने पढ़िबे, किंतु नवम श्रेणी पिला माने आसंता नवंबर मासरु आ संबंध रे अध्ययन करिवे बोली जणा पड़ी बा सूचना आसी। से पाठ्यक्रम टी नवम श्रेणी पिलापाई अत्यंत उपयोगी एवं यार टॉपिक गुड़ी को पिला माने निहत रूपे अधिक गुरुत्व दी शिक्षा को हबो एवं दशम श्रेणी पिला माने आसंता शिक्षा वर्षर जहाँकि 2023-24 शिक्षा वर्ष प्रस्तुत हेबे। तो जदि भिडियोटी भल लगी निश्चित रूपे गोटे लाइक कर, सब्सक्राइब एंड शेयर कर। धन्यवाद।